जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। गर्भ स्तुति। माता देवकी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण की देव गंधर्व स्तुति करते हैं, कहते हैं, हमको भगवान ने वरदान दिया है। वह वरदान सत्य करने के लिए भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। पृथ्वी भाग्यशाली है, श्री कृष्ण चरण का स्पर्श होगा। भगवान की सेवा स्मरण में जो तन्मय होते हैं, संसार सागर को तर जाते हैं। कितने ही जीव ज्ञान के अभिमान में सेवा पूजा को गौण समझते हैं, भक्ति छोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष का पतन हो जाता है। जिसको भगवान के स्वरूप का बारंबार ज्ञान हुआ है, वह भगवान को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं। जिसको भगवान के स्वरूप का बराबर ज्ञान हुआ है, वह भगवान को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं। वह भगवान की सेवा पूजा किए बिना रह नहीं सकता। ज्ञानी बनना बड़ा कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी बनना बड़ा कठिन है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वह जगत के साथ प्रेम नहीं करता, वह भगवान के साथ प्रेम करता है। भगवान को प्रकट होना पड़ता है। देवों ने देवकी जी को आश्वासन दिया है, अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, चिंता करना नहीं। 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। अंतःकरण अति शुद्ध होता है, तब भगवान का अवतार अंदर भी होता है। आज श्री कृष्ण अंदर नहीं, बाहर प्रकट होने वाले हैं। अष्टधा प्रकृति की शुद्धि बताई है। आज काल भी कोमल हो गया है। काल को लोग क्रूर मानते हैं, काल सभी को मारता है, काल को किसी पर दया नहीं आती है, इसलिए लोग काल को क्रूर मानते हैं। आज काल कोमल बन गया है। काल के मालिक श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण काल के अधीन नहीं हैं। काल आज कोमल बना है, इसका कारण यही हुआ है कि काल ने विचार किया है, मेरे मालिक मुझे कितना मान देते हैं, भगवान मेरे अधीन जैसे होने वाले हैं। भगवान काल के अधीन नहीं हैं, काल के अधीन होने जैसी लीला भगवान करते हैं। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं, एक एक दिशा के मालिक एक एक देव हैं। कंस ने देवों को कैद में रखा था, श्री कृष्ण अब प्रकट होने वाले हैं, दिशाओं को आनंद हुआ है। कंस को मारेंगे, हमारे पति घर में आएंगे। मेघ प्रसन्न है, श्री कृष्ण का श्री अंग मेघ श्याम है। मेघ विचार करते हैं, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, कन्हैया का रंग और मेरा रंग एक जैसा है। आज मेघों को बड़ा आनंद हुआ है, आज मेघों को बड़ा आनंद हुआ है। मेघ गड़गड़ गड़गड़ गर्जना करने लगे हैं। मध्य रात्रि के समय कमल नहीं खिलते हैं, आज भगवान प्रकट होने वाले हैं। मध्य रात्रि में कमल खिल गए हैं। जगत गाढ़ निद्रा में है। जगत में 2 जीव जगते हैं, वासुदेव और देवकी। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है, और जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। जो सावधान होकर के सर्वकाल भक्ति करता है वही जागता है। जो संसार सुख में फंसा हुआ है वह सोया हुआ है। जो सोया है उसको संसार मिलता है। जगत में 2 जीव जागते थे, वासुदेव और देवकी। संपत्ति का नाश हुआ, संतति का नाश हुआ। अति दुख में भी सतत भक्ति करते हैं, दर्शन की तीव्र इच्छा है, एक बार दर्शन हो जाए। वैष्णव जब दर्शन के लिए अति आतुर हो जाते हैं, कब दर्शन होगा, कब भगवान का अवतार होगा। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का सुयोग है। मध्य रात्रि में आकाश में देवगण गंधर्वगण बाजा बजाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, मंगल गीत गाती हैं। परम पवित्र अष्टमी की मध्य रात्रि में
माता देवकी के सन्मुख चतुर्भुज रूप से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कारागृह में वसुदेव देवकी को चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन हुआ। मेरे लिए भगवान कारागृह में आए हैं। शरीर में रोमांच है, आँख से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं, बार बार निहारते हैं। अद्भुतम बालकम, भगवान ने वासुदेव देवकी को आज्ञा दी है बराबर दर्शन करो। दर्शन का अर्थ यह है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाओ, बाहर दर्शन करने के बाद उसी स्वरूप का अंदर दर्शन करो। जिसको अंदर भगवान का दर्शन होता है आत्मस्वरूप में, जिसको नारायण का दर्शन होता है उसको कभी वियोग नहीं होता। जिसको बाहर दर्शन होता है उसको भगवान का वियोग भी होता है। बराबर दर्शन करो, आँख से स्वरूप को अंदर ले जाओ। अभी थोड़ा पाप बाकी है, 11 वर्ष तक ध्यान करो, 11 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। अब मुझे जल्दी गोकुल में पहुँचा दो, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ लीला करूँगा। 11 वर्ष बाद मैं आऊँगा। माता पिता को अपने स्वरूप का भान कराया है, चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान करते हैं और बाल स्वरूप प्रकट किया है। देवकी माँ गोद में ले करके प्यार करती हैं, हृदय का प्रेम रस बाल कृष्ण को अर्पण करती हैं, बार बार निहारती हैं। वसुदेव देवकी विचार करते हैं, अभी मेरा थोड़ा पाप बाकी है, मुझे आज्ञा हुई है 11 वर्ष तक ध्यान करो। परमानंद होता है। वसुदेव जी को थोड़ी शंका होती है, बाल कृष्ण को गोकुल कैसे पहुँचाऊँगा। टोकरी में गादी रखी है, गादी में बाल कृष्ण को रखा है, कंस के सेवक जागते हैं, मैं बाहर कैसे जाऊं। देवकी जी ने कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। अद्भुतम बालकम, ब्रह्मादिक देवों का भी यह पिता है, ब्रह्मादिक देवों का भी यह पिता है। बाल कृष्ण को आप मस्तक के ऊपर रखो। वसुदेव जी बाल कृष्ण को जब मस्तक पर रखते हैं हाथ पैर की बेड़ियां टूट जाती हैं, कारागृह के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान को जो मस्तक में रखता है उसका संसार बंधन टूट जाता है। योग माया का जन्म हुआ है, जगत गाढ़ निद्रा में है, सभी को गाढ़ निद्रा लगी है, कंस के सेवक निद्रा में हैं, बाल कृष्ण को मस्तक में रखा है। वसुदेव जी बाहर आए हैं, मध्य रात्रि का समय है, मेघ झरमर झरमर बरस रहे हैं। बलराम जी समझ गए हैं, श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बलराम जी शेष स्वरूप से दौड़ते हुए आए हैं, फनों से छत्र धारण किया है। अभी तो यशोदा माँ को दर्शन हुआ नहीं है, प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी माता को हुआ है। मेरे मालिक आए हैं, श्री यमुना जी को अतिशय आनंद हुआ है। यमुना जी का जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी के गले तक जल आया है। वसुदेव जी घबराए हैं, बाल कृष्णलाल समझ गए हैं कि यमुना जी आई हैं। टोकरी से चरण को बाहर निकाला है, श्री यमुना जी चरण में कमल की भेंट अर्पण करती हैं, चरण को स्पर्श किया है। यमुना जी को अति आनंद हुआ, अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हुई हैं। आकाश में देव ऋषि दर्शन करते हैं, यमुना जी के चरणों में वंदन करते हैं, श्री यमुना महारानी का जय जयकार करते हैं। बोलो यमुना मैया की जय। अति आनंद में यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, जल धीरे धीरे कम हुआ है। वासुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के घर में गए हैं, योग माया का वहाँ जन्म हुआ था। योग माया का ऐसा आवरण था कि यशोदा जी को भी गाढ़ निद्रा लग गई। कुछ तो हुआ, बालक हुआ कि कन्या हुई, कुछ खबर नहीं पड़ी। वसुदेव जी अंदर गए हैं, यशोदा जी की गोदी में बाल कृष्ण को रखा है। बाल कृष्ण को बार बार निहारते हैं, विचार करते हैं, मेरा पाप कैसा है, परमात्मा को मैं दूसरे को देता हूँ और माया को अपने घर में ले जा रहा हूँ। भगवान की आज्ञा का पालन करने में ही जीव का कल्याण है। योग माया को ले करके वसुदेव जी मथुरा में आए हैं,
कारागृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं हाथ पैर में बेड़ियां आ जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। ब्रह्म संबंध को टिकाना चाहिए। जो ब्रह्म संबंध को नहीं टिका पाता, जो माया के साथ संबंध करता है, उसके हाथ पैर में फिर से हथकड़ी बेड़ी आ जाती है। ब्रह्म संबंध करना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म संबंध को टिकाना बड़ा कठिन है। योग माया रोने लगी है, कंस को खबर मिली है, बालक का जन्म हुआ है। कंस दौड़ता हुआ आया है, उसने बराबर देखा भी नहीं कि ये कन्या है या पुत्र। योग माया के पैर पकड़ करके मारने के लिए जाता है। माया को कौन पकड़ सकता है, उसके हाथ से निकल गई है। कंस के मस्तक पर जोर से लात मारी है। अष्टभुजा मातु की जय। भद्रकाली माँ अंतरिक्ष में प्रकट हुई हैं। कंस को कहा है, मूर्ख तुम्हें अकल नहीं है, बच्चों को मारता है, तेरे काल का जन्म कभी का हो चुका है। ये तो बड़ी देवी है, मेरे काल का जन्म हो चुका है, ऐसा कहती है। कंस घबराया है। आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि देवकी का आठवां गर्भ मेरा काल है, ये तो देवी है। जमाना बदल गया है, अब आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। मैंने आकाशवाणी में विश्वास रखा था, मेरी भूल हो गई। कंस वासुदेव देवकी को वंदन करता है। मैंने आपके बालक नहीं मारे हैं, मैंने अपने ही बालकों को मारा है, मुझसे भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ। आपके बालकों का आयुष्य कम होगा, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आत्मा कभी मरता नहीं, शरीर किसी का कायम रहता नहीं। आत्मज्ञान की बातें करने लगा कंस। वासुदेव देवकी को वंदन करके, क्षमा मांग करके कंस घर में चला जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद महोत्सव की कथा हम नंद महोत्सव के दिन सुनेंगे। अब नंद महोत्सव की कथा है, अतः मथुरा कथा मधुर कथा है। भागवत के श्लोक हैं 18,000। नंद महोत्सव की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में कही है। सभी भागवत का सार है इन 18 श्लोकों में भर दिया है। जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया है। ब्रजवासी आए हैं, सभी प्रतीक्षा करते हैं। आनंद की वार्ता कब आती है? प्रभु के प्राकट्य का समय हुआ है। नंद बाबा के कुल गुरु शांडिल्य ऋषि हैं, महान ज्ञानी भक्त हैं। शांडिल्य ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई है। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा है, आप जागते हो तो सब लोग जागते हैं, अब जागने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। प्रातः काल में हम आनंद की वार्ता सुनेंगे, पुरोहित जी की ऐसी आज्ञा हुई है। तब नंद जी सोने के लिए गए हैं। गोदी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं, गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं, उसी समय योग माया का आवरण हुआ है, गाढ़ निद्रा लगी है। वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को लेकर के जब नंद बाबा के घर में आए हैं, बाल कृष्ण नंद जी के घर में जब आए हैं, उस समय नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखता है। स्वप्न में नंद जी ने देखा, मैं गायों की पूजा करता हूँ, मैं गायों को दान दे रहा हूँ, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। नंद जी ने देखा यशोदा जी की गोद में अति सुंदर एक बालक खेलता है। बाल कृष्ण लाल का दर्शन हुआ। नंद जी जागते हैं। नंद बाबा ने विचार किया, रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था, इसलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ है। मैंने स्वप्न में यशोदा की गोद में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में हुआ ही नहीं है, होने वाला भी नहीं है। उसका रंग मेरे नारायण के समान था, नारायण के समान ही उसकी आँख बहुत सुंदर थी, मेरे भगवान के जैसा ही वह लगता था। ऐसा पुत्र तो कहाँ से होगा, मैंने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं है, ऐसा पुत्र होने वाला नहीं है, न होगा ऐसा लगता है। सभी ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। स्वप्न में जो बालक देखा है, ऐसा बालक मेरे घर में आए तो घर की शोभा बढ़ जाएगी, मेरे नारायण की जैसी उसकी आँख है, उसका रंग भी श्याम है,
कैसा सुंदर बालक है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर हैं। नंद बाबा को गायें प्राण से प्यारी लगती हैं, गायों की सेवा स्वयं करते हैं, जागने के बाद गौशाला में गए हैं, गायों की सेवा करते हैं, तन से सेवा होती है, मन स्वप्न का चिंतन करता है। कैसा सुंदर बालक है। एक साधु ने मुझे कहा था, जो बहुत प्रेम से गाय की सेवा करता है उसके वंश का विनाश नहीं होता। आज तक मैंने गायों की बहुत सेवा की है, मेरा वंश बढ़े ऐसी कोई बहुत इच्छा नहीं है, किंतु इन गायों में मेरा बहुत प्रेम है। मैं मृत्यु की शैया में पड़ूंगा तब मुझे ये गायें बहुत याद आएंगी। हे नारायण, मेरे लिए नहीं, गायों के लिए एक बालक मुझे दे दो, मेरा बालक गायों की सेवा करेगा। नंद बाबा को आज गायों की चिंता हुई है, मेरे पीछे गायों की सेवा कौन करेगा। बाल कृष्णलाल घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए हैं। सुंदर पीला झबला पहना है, सोने का कंगन पहना है, बाजूबंद है, कानों में कुंडल है, मोर पिच्छ का मुकुट है, आंखों में प्रेम भरा हुआ है, घुटनों के बल चलते हुए वहां आए हैं। जो बालक यशोदा की गोद में मैंने देखा था यहां दिखता है। नंद बाबा को गायों की चिंता हुई है। बाल कृष्ण मस्तक हिलाते हैं, बाबा मैं गायों की सेवा करूंगा, मुझे गायें बहुत प्यारी लगती हैं, मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। नंद बाबा को याद आती नहीं है, मैं जागता हूं या सोया हूं, ना 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 जाग रहा हूं। अतः अति आनंद में शरीर स्तब्ध हो जाता है। इच्छा तो होती है कि दौड़ता हुआ जाऊं, बालक को उठा करके छाती के साथ लगाऊं। दर्शन में तन्मयता हुई है, यशोदा मैया जागती हैं, माँ ने देखा है चारों ओर प्रकाश है, यह बालक है कि कोई हीरा है, ऐसा प्रकाश मैंने कभी देखा नहीं। लाला का जन्म हुआ तो खबर पड़ी नहीं। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेती हैं, एक एक अंग को ध्यान से निहारती हैं, चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सुगंध आती है। कैसा दिखता है, मेरे लाल को किसी की दृष्टि ना लगे। नारायण 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 कीर्तन करती हुई यशोदा मैया नज़र उतारती हैं। नंद बाबा की एक छोटी बहन है, उनका नाम था सुनंदा। सुनंदा जी भी जागती हैं, अंदर जाती हैं। सुनंदा जी ने देखा भाभी की गोद में अति सुंदर बालक है। बाल कृष्ण का दर्शन करती हैं, अति आनंद होता है। सुनंदा जी ने विचार किया, मेरा भाई रात्रि में 12 बजे तक जागता है, अपने भाई को खबर दूंगी। सुनंदा जाती है शैया में, नंद बाबा नहीं दिखते, मेरा भाई गायों की सेवा करने के लिए गया होगा। दौड़ती हुई सुनंदा गौशाला में गई है। नंद जी बाल कृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं। उसी समय सुनंदा जी दौड़ती हुई आई हैं। सुनंदा जी ने कहा, अरे भैया भैया, लाला भयो है, बालक का जन्म हुआ है, आँख से दर्शन करते हैं, कान से सुनते हैं, अब श्री कृष्ण ने हृदय में प्रवेश किया है। आनंद जब बहुत बढ़ जाता है तो वह आनंद आँखों से बाहर आता है, आँखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, बालक कैसा है। सुनंदा जी कहती हैं, कैसा है यह कौन वर्णन करे। घर में ठाकुर जी विराजमान है, नारायण भगवान के जैसा ही बालक है, उसका रंग श्याम है, आँखें बहुत सुंदर हैं। भाई तेरे भाग्य का उदय हुआ है, तुम स्नान करके जल्दी आ जाओ, मैं तेरी गोद में बालक को दूंगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।